चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जितने भी जल प्रपात हैं उनके बारे में। और इससे पहले हम लोगों ने डैम वाला भी लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, डैम देख चुके हैं, नदियों को देख चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे नदियों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी नदियाँ हैं और उन नदियों पर कौन कौन से जल प्रपात हैं उन सबको देखने वाले हैं। इसलिए नदी का जो कॉन्सेप्ट है वो सभी का क्लियर होना ज़रूरी है। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोरिया जिले में। कोरिया जिले में कौन कौन से जल प्रपात है उसको हम लोग यहाँ पर पहले देखेंगे। देखिए, तो इस तरह से पहले तो यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं उनको देख लेते हैं। इस तरह से हम जानते हैं ये आपकी बनास नदी है, ठीक है, यह ऐसे हम लोगों ने बनास नदी देखा था। यहाँ पर यह गोपद नदी है, ठीक है, इस प्रकार से क्या था, गोपद नदी है। यहाँ पर हसदेव नदी है, ठीक, इस प्रकार से हसदेव नदी हम लोगों ने देखा है। ये कुछ इस तरह से, एक मिनट, ये ठीक है, इस प्रकार से है कुछ। चलिए, तो ये हसदेव नदी हम लोगों ने देखा। अब देखिए इन नदियों पर कौन कौन से जल प्रपात है इनको देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो बनास नदी हम लोगों ने यहाँ पे, बनास नदी, ठीक है, ये बनास नदी है, ये गोपद नदी है और यहाँ पे हसदेव नदी है, ये हसदेव नदी, ठीक है, ये तीन नदी हम लोग यहाँ पे देखें। अब देखिए जो बनास नदी है, इस बनास नदी में कुछ इस वाले पॉइंट पर, कुछ इस वाले पॉइंट पर है रामदाह, रामदाह जलप्रपात, ठीक है, ये रामदाह जलप्रपात है। किस नदी पर है ये? बनास नदी पर, ठीक है, कुछ इस वाले पॉइंट पर। इसके बाद यहाँ पे जो गोपद जलप्रपात, सॉरी, गोपद नदी देख रहे हैं, यहाँ पे च्यूल जलप्रपात है, ठीक है, ये च्यूल जलप्रपात है। फिलहाल मैं जलप्रपात नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, जहाँ पर रेड कलर में लिखा हुआ है वो जलप्रपात का नाम है और बाकी जहाँ पे ब्लू में है वो आपका नदियों के नाम है, ठीक है। और जो भी और विशेषताएं रहेंगी उनको मैं ग्रीन वगैरह कलर कर, मतलब दूसरे कलर में कर दूंगा। चलिए, तो ये क्या है? च्यूल जलप्रपात है, ठीक है, च्यूल जलप्रपात। इसके बाद हम लोग ये हसदेव नदी देख रहे हैं। हसदेव नदी पर याद रखिएगा दो जलप्रपात हैं, एक तो यहाँ पे आपका गावर घाट जलप्रपात है, ये गावर घाट जलप्रपात है, और एक कुछ इस वाले पॉइंट पर है अमृत धारा जलप्रपात। अमृत धारा जलप्रपात, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये जितने भी जलप्रपात सभी इंपॉर्टेंट है, खास करके आपका अमृत धारा जलप्रपात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अमृत धारा जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है। गावर घाट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, खास करके हसदन नदी पर जो भी जलप्रपात है ये तो इंपॉर्टेंट है ही। यहाँ पर एक जलप्रपात और लिखेगा, ठीक, कुछ इस वाले पॉइंट पर अकुरी नाला, अकुरी नाला जलप्रपात, ठीक है। तो हम लोगों ने कोरिया जिले में कितना जलप्रपात देखा? कोरिया जिले में यहाँ पे बनास नदी है, इस बनास नदी पर रामदास जलप्रपात है, ठीक है, रामदास जलप्रपात। यहाँ पर च्यूल जलप्रपात है, गोपद नदी पर क्या है ये, इस गोपद नदी पर च्यूल जलप्रपात है। इस वाले पॉइंट पर अकुरी नाला जलप्रपात है, और ये जो हसदेव नदी है, हसदेव नदी पर यहाँ पे गावर घाट जलप्रपात है इस वाले पॉइंट पर। ये अमृत धारा है, अमृत धारा में इस वाले पॉइंट पर है, सॉरी, ये हसदेव नदी है, हसदेव नदी पर इस वाले पॉइंट पर ही अमृत धारा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे टोटल पांच इंपॉर्टेंट जलप्रपात के बारे में बात किया। अब देखिए यहाँ पे ये जो अकुरी नाला जलप्रपात हम लोग बोल रहे हैं, इसको प्राकृतिक एयर कंडीशनर भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक एयर कंडीशनर। ठीक है, प्राकृतिक एयर कंडीशनर किसको बोलते हैं? अकुरी नाला जलप्रपात को ही प्राकृतिक एयर कंडीशनर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, इस वजह से यहाँ इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक एयर कंडीशनर बोल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुल मिला करके पाँच ये जलप्रपात देखा, ठीक है। और यहाँ पर जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस वाले क्षेत्र में,
तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से आपकी ये गोपद नदी बहती है, ठीक है, गोपद नदी वहाँ से गुजर करके जाती है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से, और वहीं पर आपको ये चूल जलप्रपात भी है, ठीक है। तो कभी आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है उसमें कौन सा जलप्रपात है, तो चूल जलप्रपात याद रखिएगा, कौन सी नदी बहती है, तो गोपद नदी बहती है, ठीक है। तो ये एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उन सबको याद रखिएगा। चलिए, तो इतना हम लोगों ने देखा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे कोरियाम हम लोग देखते हैं, सॉरी कोरिया, ये कोरियाम हम लोगों ने देख लिया। अब सूरजपुर में देखते हैं, ठीक है, सूरजपुर में कौन कौन सा जलप्रपात है। यहाँ पर तो सबसे पहले इस तरह से हम लोगों एक नदी देखते हैं, और ये नदी है रिहंद नदी। ये है रिहंद नदी, ठीक है। इस रिहंद नदी में याद रखेगा कुछ इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। इस वाले पॉइंट पर है रक्स गंडा जलप्रपात, रक्स गंडा, रक्स गंडा, ठीक है, रक्स गंडा जलप्रपात। ठीक है, ये रक्सगंडा जलप्रपात है, और इसी नदी पर, इसी रिहंद नदी पर यहाँ पे एक लफरी है, ठीक है, लफरी, इसको याद रखिएगा। ये आपका पिकनिक स्पॉट है, ठीक है, पिकनिक स्पॉट, यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये पिकनिक स्पॉट है, याद रखिएगा इसको, लफरी को। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे कुछ इस वाले पॉइंट पर एक कुमेली घाट है, कुमेली घाट, ठीक है, ये कुमेली घाट, हो सकता है कभी कभार ये दोनों पूछ दे आपका, कुमेली घाट और लफरी, ठीक है, ये कुमेली, लफरी और ये कुमेली घाट, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये कुमेली घाट और ये लफरी कभी ना कभी ये पूछा जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कोई ना कोई एग्जाम में आपका व्यापम वगैरह में ये हो सकता है पूछा जाए आपके। कुमेली घाट, चलिए, तो ये कुमेली घाट है, यहाँ पे लफरी है, यहाँ पे रक्स गंडा जलप्रपात है, ठीक है, रक्स गंडा जलप्रपात। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने सूरजपुर में तीन जलप्रपात देखा, दो जलप्रपात आपके रिहंद नदी पर है, ठीक है, इस रिहंद नदी या फिर रेंड नदी भी इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिहंद नदी, या फिर अगर रेंड नदी के नाम से भी आए तो उसको आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। तो ये रिहंद नदी पर आपका ये रक्स गंडा जलप्रपात और लफरी जलप्रपात और यहाँ पर कुमेली घाट, ठीक है, इसको मैंने लिखवा दिया। लफरी क्या बोलते हैं, पिकनिक स्पॉट बोलते हैं, लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने जाते हैं, पिकनिक स्पॉट, चलिए, लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। अब देखिए इसके बाद बलरामपुर में, बलरामपुर में हम लोग जानते हैं इस प्रकार से, ये नदी कन्हार नदी आप सभी जानते हैं, नदी वाले चैप्टर में पूरा मैं डिटेल में आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, ये नदी है आपका, कौन सी नदी है, कन्हार नदी है, कन्हार नदी है, ठीक है, कन्हार नदी। अब इस कन्हार नदी पर कौन कौन से जलप्रपात है, देखिए यहाँ पे एक इस वाले पॉइंट पर कुछ है कोठली जलप्रपात, ठीक है, ये है आपका कोठली जलप्रपात, कोठली जलप्रपात, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपके कन्हार नदी में है। कुछ यहाँ पे आपका एक और छोटा सा नदी है, ये छोटी सी नदी है, ये आपका है भेड़िया नाला, ठीक है, यहाँ पे क्या है, भेड़िया नाला एक नदी है। इस भेड़िया नाला नदी में कुछ इस वाले पॉइंट पर है भेड़िया पत्थर, भेड़िया पत्थर नाम का एक जलप्रपात है,
भेड़िया पत्थर नाम का यहाँ पे क्या है, जलप्रपात है, और ये नदी क्या है, भेड़िया नाला नदी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने नदी देखा कन्हार नदी, इस कन्हार नदी की एक सहायक नदी इस प्रकार से देखते हैं, ठीक है, ये है चनान नदी। ठीक, इस तरह से ये क्या है, चनान नदी है, चनान नदी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है आपका, चनान नदी है। तो इस चनान नदी पर कुछ इस वाले पॉइंट पर है पवई जलप्रपात। ठीक है, ये है आपका पवई जलप्रपात। ठीक है, तो हम लोगों ने बलरामपुर में तीन जलप्रपात यहाँ पे देखा। एक और याद रखेगा इस कुछ इस वाले पॉइंट पर, ताता पानी, ताता पानी। ठीक है, और मैक्सिमम लोगों को पता होगा ताता पानी के बारे में, यहाँ पे गर्म पानी का फवारा निकलता है। ठीक है, ये पूछा जा चुका है गर्म पानी का फवारा कहाँ पे निकलता है, ये ताता पानी में, बलरामपुर ज़िले में ये ताता पानी है, इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा यहाँ पे, बल्कि लिख लीजिए गर्म पानी का फवारा। ठीक, गर्म पानी का फवारा। चलिए, तो ये हम लोगों ने बलरामपुर में देखा। ठीक है, बलरामपुर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, बलरामपुर में यहाँ पे क्या है, एक कन्हार नदी है इस प्रकार से, एक कन्हार नदी, कन्हार नदी की ये सहायक नदी है चनान नदी, इस चनान नदी पर पवई जलप्रपात है, और ये कन्हार नदी में कोठली जलप्रपात है। ठीक, कोठली जलप्रपात कन्हार नदी में, पवई जलप्रपात चनान नदी में। यहाँ पे एक भेड़िया नाला नाम का एक नदी है, इसमें भेड़िया पत्थर जलप्रपात है, और यहाँ पर ताता पानी है, जो ताता पानी है उसमें से गर्म पानी का फवारा निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी। अब देखिए इसके बाद जसपुर। ठीक है, जसपुर में जितने भी जलप्रपात है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे नदी एक देखा हुआ है। ठीक है, सभी को ईब नदी याद होगा, हम लोगों ने इस प्रकार से देखा था। ठीक है, ईब नदी, तो ईब नदी ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद देखिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जलप्रपात है, समझते हैं। देखो ईब नदी में ही तीन जलप्रपात लगातार आपको याद रखना होगा, एक दो और तीन। ठीक है, इनका क्या क्या नाम है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे नदी का नाम लिख लो, ईब नदी है ये, ईब नदी। ठीक है, ईब नदी। अब इसमें कौन कौन से जलप्रपात है, तो याद रखिएगा जी सी बी। ठीक है, जी से है गुल्लू, गुल्लू, सी से है छुरी, और बी से है बेने, बेने। ठीक है, तो गुल्लू, छुरी और बेने, तीन प्रपात, तीन जलप्रपात आपको लगातार याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये गुल्लू है, गुल्लू है, ये छुरी है, और ये बेने है, बेने। ठीक है, गुल्लू, छुरी और बेने, तीन लगातार ये जलप्रपात है, तीनों जलप्रपात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुछ इस वाले पॉइंट पर याद रखना है आपको, रानीदा और यहाँ पे एक दमेरा। ये दमेरा है, दमेरा, और ये है आपका रानीदा। ठीक है, ऐसा माना जाता है यहाँ पे रानी ने आत्मदाह किया था। ठीक है, रानी यहाँ पे आत्मदाह करके मर गई थी, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, रानी दाह कहा जाता है। ठीक, ऐसा मान्यता है। चलिए, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे इतने जलप्रपात देखा, तो इसका ट्रिक बताऊंगा आपको किस प्रकार से याद रखना है, उसका ट्रिक वैसे मैं बताया हुआ हूँ, ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन उसके अलावा भी आपको यहाँ पर ट्रिक समझाऊंगा। यहाँ पर एक राजपुरी नाम का जलप्रपात याद रखना है आपको, एक राजपुरी है, और एक खुड़िया रानी याद रखिएगा, इधर ही आपको लिखना है इसको भी। ठीक है, ये आपको क्या है, खुड़िया रानी, खुड़िया रानी। ठीक है, ये खुड़िया रानी है, और एक और जलप्रपात याद रखिएगा, मकर भंजा।
ठीक है, मकर भंजा। मकर भंजा जलप्रपात। देखिए अब इसको याद हमको कैसे रखना है, हम लोगों ने क्या क्या देखा, यहाँ पे मकर भंजा है, यहाँ पे खुड़िया रानी है, यहाँ पे राजपुरी है, ये रानीदा है, यहाँ पे दमेरा है, गुल्लू छुरी और बेने हैं। अब देखो गुल्लू छुरी और बेने को मैं क्या बताया हूँ, जी सी बी, ठीक है, ये जी सी बी हो गया। यहाँ पे रानी है और यहाँ पे राज है, मतलब कि रानी राजा, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको, रानी राजा, ठीक है, रानी राजा। तो ये रानी राजा हो गया, यहाँ पे खुड़िया है, ठीक है, तो खुड़िया से एक शब्द याद रखिएगा, खुदाई। तो अब ऐसे याद रखना है कि रानी राजा जीसीबी, ठीक है, जो जेसीबी हम लोग बोलते हैं उसको जीसीबी याद रखिएगा, जीसीबी की खुदाई देखने गए थे रानी राजा, जीसीबी की खुदाई देखने गए थे और वहां पर उनकी दम घुटने से मृत्यु हो गई, ठीक है। तो मृत्यु, मृत्यु मतलब कि हम मकर भंजा याद रखिएगा, ठीक है, म से मकर भंजा याद रखना है और द से यहाँ पे दमेरा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जीसीबी रानी राजा जीसीबी की खुदाई देखने गए थे और वहाँ पे उनकी दम घुटने से मृत्यु हो गई, ऐसे याद रखना है। तो द से आपका हो गया दमेरा, रानी यहाँ पे है और यहाँ पे राजा है, और ये खुड़िया से खुदाई हो गया, और यहाँ पे म से क्या है, मृत्यु, गुल्लू छुरी बेने आपका जीसीबी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनको याद रखना होगा, ठीक है, सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है। चलिए ट्रिक को साइड में आप लोग लिख करके रख लीजिएगा, ठीक है, बाद में काम आएगा ये। तो ये हो गया जसपुर में जितने भी जो इम्पोर्टेंट जलप्रपात है उनके बारे में। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट याद रखिएगा, ये जो हम लोग मकर भंजा जलप्रपात देख रहे हैं, ठीक है, मकर भंजा जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। हालाँकि अभी तक हम लोग, मैं आपको बस्तर में समझाऊँगा, जो तीरथगढ़ जलप्रपात है सबसे ऊँचा उसको लेते थे हम लोग, लेकिन अब इसको सबसे ऊँचा जलप्रपात लेना होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और वहाँ पे आपका मकर भंजा जलप्रपात को दिया गया है और साथ ही साथ आपका तीरथगढ़ भी दे दिया है, तो आपको मकर भंजा को लेना होगा, ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और यहाँ पे तीरथगढ़ नहीं रहता है सिर्फ मकर भंजा रहता है, तो सिर्फ मकर भंजा को लेना है, या फिर अगर मकर भंजा नहीं रहता है तीरथगढ़ रहता है तो आपको तीरथगढ़ जलप्रपात को लेना है। तीरथगढ़ मैं आपको बताऊंगा बस्तर में है, कहाँ पे उसको मैं समझाऊंगा आपको, बाकी बस्तर का भी देखेंगे तो। लेकिन इसको अभी क्या लेना है, सबसे ऊँचा ये जलप्रपात है, ठीक है, ये माना जा रहा है। अगर पीएससी में प्रश्न पूछता है तो प्रश्न के ऑप्शन के अनुसार पर आपको ही क्या करना है, उसका आंसर को लेना है, ठीक है। ये क्या सबसे ऊँचा ऊँचा जलप्रपात, लगभग इसकी जो ऊँचाई है, इसकी ऊंचाई लगभग 400 से मतलब 400 से 450 फीट करीबन इसकी क्या है, ऊंचाई है, ठीक है, 400 से 450 फीट करीबन इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा मकर भंजा जलप्रपात की। चलिए ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसको माना जा रहा है। बाकी अगर आपका प्रश्न जिस प्रकार से आएगा उसी प्रकार से लेना है। अगर तीरथगढ़ है वहाँ पर, अगर देखो तीरथगढ़ का हम लोग 300 फीट देखते हैं, ठीक है, 300 फीट करीब उसकी ऊँचाई है तीरथगढ़ की। तो अगर तीरथगढ़ है मकर भंजा नहीं है तो सिर्फ तीरथगढ़ को लेना है, मकर भंजा तीरथगढ़ दोनों है तो वहाँ पे फिर मकर भंजा को ले लेना है, ठीक है। चलिए तो ये हम लोगों ने जसपुर में जितने भी जलप्रपात है उनके बारे में बात किया, ठीक है ये। चलिए अब इसके बाद देखिए सरगुजा में, ठीक है, ये आपका सरगुजा है, सरगुजा जिला, सरगुजा में समझते हैं कौन कौन सा जलप्रपात है उसको। देखिए सरगुजा में हम लोग देखे हैं, यहाँ पे एक तो मांड नदी आपको समझाया था, ठीक है, इस प्रकार से मांड नदी के बारे में हम बात किए थे, ठीक है, इस तरह से मांड नदी है, ये नदी का तो फिलहाल काम नहीं है तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। जो रिहंद नदी है उसका भी यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक मांड नदी है यहाँ पे, ठीक है। मांड नदी में हम लोगों को मुख्य रूप से जो जलप्रपात है उसको बनाना है। देखिए तो इस मांड नदी में इस वाले पॉइंट पर याद रखना है सरभंजा, सरभंजा, ठीक है, ये सरभंजा जलप्रपात है। यहाँ पे आप मकर भंजा यहाँ पे देखें ना हम लोग जसपुर में मकर भंजा, तो इस मकर भंजा को आपको सरभंजा के साथ मिक्स नहीं करना है ना, कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, तो सरभंजा अलग है, सरगुजा में है, ठीक है। सर से सरगुजा याद रखिएगा और सर से सरभंजा है, तो सरभंजा आपके सरगुजा में है, ठीक है। इसी को आपका इको पॉइंट भी बोलते हैं, इको पॉइंट, ठीक है, इको पॉइंट इसी को कहा जाता है, किसको, सरभंजा को।
इको पॉइंट जलप्रपात। अब देखिए यहाँ पे और जो भी जलप्रपात है इसको याद रखिएगा, सब पॉइंट पॉइंट के नाम से है। देखो पॉइंट के अलावा एक सेदम जलप्रपात है उसको याद रख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेदम है, ठीक है, ये सेदम जलप्रपात है। और इसके बाद बाकी जो भी है, फिश पॉइंट है, एक टाइगर पॉइंट है, ठीक है, ये फिश पॉइंट है, ये टाइगर पॉइंट है, ठीक है। तो ये फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, ये पॉइंट को याद रखिएगा। पॉइंट पॉइंट इस प्रकार से पूछा है, मतलब बनता है, इसको याद रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे एक सेदम जलप्रपात है, ठीक है, ये सेदम को याद रखिएगा। कुछ इस वाले क्षेत्र में ये सेदम जलप्रपात है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फिश पॉइंट है, यहाँ पे टाइगर पॉइंट है। देखो ये फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट सभी यहीं पे है, मैन पार्ट के आसपास ही है। हालांकि जो जगह नहीं इसलिए ऊपर में लिखा गया है, बट ये फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट, सेदम, ये सभी लगभग ये जो मैन पार्ट वाला जो क्षेत्र है इसी के आसपास है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट। इस प्रकार से इसको आप लोग कुछ ट्रिक अगर बनता है तो आप लोग बना करके याद रख सकते हैं, ठीक है। ये सभी सरगुजा में है। यहाँ पे सरभंजा को याद रखेगा या फिर इको पॉइंट को याद रखेगा, ये आपके मांड नदी पर है। ये कौन सी नदी है? मांड नदी है, ठीक है, ये मांड नदी, ठीक है, मैन पार्ट से निकलती है। यहाँ पे मैन पार्ट है, वहाँ से निकलती है इस प्रकार से ये मांड नदी, ठीक है, महानदी की सहायक नदी है। नदी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चलिए तो ये हम लोगों ने इस प्रकार से यहाँ सरगुजा संभाग को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब इसके बाद देखिए बिलासपुर संभाग में आपको कोरबा को विशेष करके याद रखना है। कोरबा में कौन कौन जलप्रपात मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके अलावा यहाँ पे रायगढ़ और जांजगीर चांपा, ठीक है। रायगढ़ जांजगीर चांपा में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक एक दो दो है, एक एक दो दो जलप्रपात है। बाकी आपका यहाँ पे कोरबा को याद रखना है। तो देखिए कोरबा में कौन कौन से जलप्रपात है हम लोग पहले देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ये महानदी, सॉरी हसदेव नदी देखा, ये आपका हसदेव नदी है इस प्रकार से, ठीक है, ये हसदेव नदी है। इस हसदेव नदी की एक सहायक नदी है इस तरह से चोरनई नदी, ठीक है, ये चोरनई नदी है। इस चोरनई नदी पर और यहाँ पे जो हसदेव नदी हम लोग देख रहे हैं, इस हसदेव नदी पर, ठीक है, पहले हसदेव नदी की लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे केंदई जलप्रपात है, ठीक है, ये केंदई जलप्रपात, ठीक, केंदई जलप्रपात। इस वाले पॉइंट पर जो चोरनई नदी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इस चोरनई नदी पर देवपहरी है, देवपहरी ये भी एक पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पर भी लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर छोटा मोटा जो भी जलप्रपात है तो इसको ऐसे याद रखना आपको, देवपहरी, ठीक है। इसके अलावा एक और जलप्रपात याद रखिएगा, रानी झरना, रानी झरना। तो ये तीन जलप्रपात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कोरबा के लिए। कौन कौन से जलप्रपात हैं? केंदई जलप्रपात, देवपहरी जलप्रपात, रानी झरना जलप्रपात। इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखने के लिए आप लोग ट्रिक बना सकते हैं। देखो ये केंदई है तो केंदई से कोंदी याद रखिए, ठीक है, कोंदी देवरानी, ठीक है, यहाँ से देव और ये रानी, तो कोंदी देवरानी, ठीक है। देवरानी जानते हैं सभी किसको बोलते हैं, देवरानी, देवरानी जेठानी बोलते हैं, तो ये कोंदी देवरानी, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कोंदी देवरानी, ठीक है, कोंदी देवरानी, ये याद रखने के लिए ट्रिक है ये, ठीक है। कोंदी देवरानी याद रखेंगे तो ये आपका ये कोरबा में आ जाएगा, ठीक है, कोरबा से कोंदी देवरानी। चलिए तो ये ट्रिक को ध्यान में ऐसे रखना है, ठीक है आपको। चलिए फिलहाल मिटा दे रहा हूँ, आप लोग अपना जो भी नोट्स वगैरह बना रहे होंगे उसमें आपको साइड साइड में लिखते हुए जाना है, या फिर इसको आप लोग प्रिंट जब निकालेंगे, ये PDF आपको दे दूंगा, इसको जब प्रिंट निकालेंगे वहाँ पर आप लोग ऐसे साइड में यहाँ पे ट्रिक जो भी मैं बता रहता हूँ उसको आपको लिख देना है। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे जांजगीर चांपा में, जांजगीर चांपा में एक ही जलप्रपात है इस वाले पॉइंट पर याद रखिएगा, दमाऊ धारा, ये यहाँ पे दमाऊ धारा, ठीक है, दमाऊ धारा, बस एक ही ये जलप्रपात को याद रखिएगा, बाकी फिलहाल और यहाँ पे नहीं है, ठीक है, जो भी होंगे वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे रायगढ़ में याद रखिएगा राम झरना, ठीक है, ये क्या है, राम झरना, यहाँ पे राम झरना है। और एक और जलप्रपात यहाँ पे याद रखिएगा कुछ इस वाले पॉइंट पर, जब यहाँ पे आपका भिलाईगढ़ और सारंगढ़ अलग हो जाएगा तो ये भिलाईगढ़ सारंगढ़ में ये वाला जलप्रपात चला जाएगा जो बता रहा हूँ, ठीक है, ये है आपका माडो सिल्ली, माडो सिल्ली, ठीक है, माडो सिल्ली जलप्रपात।
तो माडो सिल्ली जलप्रपात आपका बिलाईगढ़ सारंगढ़ में चला जाएगा फिलहाल, अभी तो कोरबा में याद, सॉरी ये रायगढ़ में याद रखना है आपको, ठीक है। रायगढ़ में कौन कौन जलप्रपात देखा, ये राम झरना है और ये माडो सिल्ली है, यहाँ पे जांजगीर छापे पे दमाऊधरा याद रखिएगा। चलिए तो बिलासपुर संभाग में बस इतना, जितना ये जो जलप्रपात हम लोग देखे हैं बस इतना ही याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रायपुर संभाग में। देखो हम लोगों ने यहाँ पे एक ध्यान देना है आपको, ये जो रानी दाह जलप्रपात हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, है ना, ये जो रानी दाह जलप्रपात यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, और यहाँ पे एक जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा कवर्धा में कुछ इस वाले पॉइंट पर, ठीक। वो क्या था, रानी दाह था और ये रानी दहरा है, रानी दहरा, ठीक। ये क्या है आपका, रानी दहरा है। और एक और जलप्रपात हम लोग देखेंगे यहाँ पे सुकमा में, ठीक है, सुकमा में एक यहाँ पे जलप्रपात हम लोग देखेंगे, ये जलप्रपात है रानी दरहा, रानी सॉरी दरहा, ये इस तरह से देखिए, ये क्या है आपका, रानी दरहा है, ये रानी दहरा है, ठीक है, दहरा, और यहाँ पे दरहा, ठीक है, दहरा नहीं है, दहरा है, दरहा है, ठीक है, दरहा, और यहाँ पे रानी दा। तो ये जो तीन जलप्रपात हम लोग यहाँ पे बात किए हैं, इनको आपको ध्यान से देख लेना है कि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में ऐसे ही कन्फ्यूज़न आपसे होता है, लोग इसी में गलती करते हैं, मैक्सिमम लोग यहीं पर गलती करके आते हैं, ठीक है, तो इसमें तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। चलिए तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे महासमुंद में एक जलप्रपात आप लोग देखेंगे कुछ इस प्रकार से, हम लोगों ने एक बलमदई नदी देखा है, ठीक है, ये बलमदई नदी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये ऐसे। तो इस बलमदई नदी में कुछ इस वाले पॉइंट पर है सात देवधारा, सात देवधारा, ठीक है, सात देवधारा, ठीक है, सात धारा हम लोग दंतेवाड़ा में देखेंगे, ये सात देवधारा है, ठीक है, सात देवधारा और सात धारा में कन्फ्यूज़ नहीं होना है दंतेवाड़ा में। और देखो बीजापुर में किसी किसी को आपको बीजापुर में लिया रहता है जो सात धारा है उसको, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा क्या होने वाला है, और वैसे मैं क्लास और ऑनलाइन क्लास में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, फिलहाल उसको और देखेंगे। तो ये सात देवधारा याद रखेगा यहाँ पर, ठीक है, ये जो बलमदई नदी है उस नदी पर है, यहाँ पर नदी का भी नाम लिख लीजिए, बलमदई नदी, ठीक है, बलमदई नदी पर। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे गरियाबंद में देखते हैं, ठीक, गरियाबंद में कौन कौन से जलप्रपात हैं। देखो गरियाबंद में यहाँ पे एक नदी याद रखिएगा, हम लोग उदंती सीता नदी अभयारण्य के बारे में बात करेंगे जब अभयारण्य को देखेंगे, तो इसी के वजह से यहाँ पर एक नदी है इस प्रकार से, ठीक है, और ये नदी का नाम क्या है, उदंती, और यहाँ पर हम लोगों ने तेल नदी के बारे में बात किया है, सॉरी, इस प्रकार से, ठीक है, ये हम लोगों ने ये तेल नदी देखा हुआ है, ठीक है, ये तेल नदी हम लोगों ने देखा है, और यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, ये उदंती नदी है, ये है आपका उदंती नदी, उदंती उदंती नदी, और इस उदंती नदी पर याद रखेगा ये जलप्रपात हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि यहां से ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है, ये गोधना जलप्रपात है, गोधना जलप्रपात हो सकता है फ्यूचर, मतलब कि कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए गोधना जलप्रपात, हालांकि उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होगा। तो इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि देखो इधर हम देखें बिलासपुर, सॉरी रायपुर संभाग में, बिलासपुर संभाग में ज़्यादा जलप्रपात नहीं है, तो यहाँ से प्रश्न बनाना होगा, तो इन्हीं सबसे प्रश्न बनाएगा, गोदना जलप्रपात हो गया, केंदई जलप्रपात जो हो गया, ठीक है, हम लोगों ने कोंदी देवरानी यहाँ पे बात किया ना, ये केंदई जलप्रपात, तो ये केंदई जलप्रपात हो गया, देवपहरी हो गया, रानी झरना हो गया, दमऊ धारा हो गया, यहाँ से प्रश्न बनता है, ये सात देवधारा हो गया, यहाँ पर गोदना जलप्रपात हो गया, ठीक
ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका जो गरियाबंद है यहाँ पे जतमई घटारानी है, ठीक है, मैक्सिमम लोग जतमई घटारानी घूमने भी गए होंगे। जतमई घटारानी, जतमई घटारानी, ठीक है, ये अलग अलग है, फिलहाल यही पे लिख लेगा, एक यहाँ पे जतमई है और यहाँ पे घटारानी है ऐसे, तो ये जतमई घटारानी याद रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये दोनों के दोनों किस में है, गरियाबंद में है यहाँ पे, ठीक है। ये गरियाबंद में आपका तीन जलप्रपात हम लोग देखें यहाँ पे, गोदना जलप्रपात उदंती नदी पर, यहाँ पे जतमई घटारानी जलप्रपात मतलब जतमई, और यहाँ पे घटारानी, ठीक है, ये आपका उदंती नदी है। चलिए उदंती नदी पर यहाँ पे गोदना जलप्रपात, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा आपका ये कांकेर में हम लोग समझते हैं, कांकेर में कौन कौन जलप्रपात है उसको देखिए। कांकेर में हम लोग जानते हैं, एक हम लोग नदी पढ़े हुए हैं यहाँ पे, महानदी देखे हैं, ठीक, इस प्रकार से हम लोग महानदी के बारे में बात करते हैं, इस प्रकार से महानदी है। महानदी की एक सहायक नदी हम लोग इस तरह से देखते हैं, दूध नदी, ठीक है, यह है आपका दूध नदी, ठीक है, यह दूध नदी है। अब इस दूध नदी पर यहां पे है मलाज कुंडम जलप्रपात, ठीक है, यह है मलाज कुंडम जलप्रपात, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दूध नदी पर कौन सा जलप्रपात है, मलाज कुंडम जलप्रपात। और कुछ इस वाले पॉइंट पर आपका एक चर्रे मर्रे जलप्रपात है, चर्रे मर्रे, ठीक है, चर्रे मर्रे जलप्रपात, ये चर्रे मर्रे जलप्रपात, इसको एक और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिएगा, हो सकता है कभी ये पूछे, ये पिंजारिन घाटी में है, ठीक है, ये पिंजारिन घाटी में स्थित है, पिंजारिन घाटी, ठीक है, ये जो चर्रे मर्रे जलप्रपात है वो पिंजारिन घाटी में स्थित है, बस ये फैक्ट इसमें लिख लीजिएगा साइड में, ठीक है, हो सकता है कभी यहाँ से भी प्रश्न बना दें। तो चर्रे मर्रे जलप्रपात, मलाज कुंडम जलप्रपात, दो जलप्रपात आपको याद रखना है कांकेर में, ठीक है, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर आपका नारायणपुर, बीजापुर, इन सबको देखते हैं। नारायणपुर में एक छोटा सा ट्रिक है, याद रखिएगा, खुनोहा, खुनोहा, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है, या फिर इसको खुनहा भी पढ़ सकते हैं, खुनहा, ठीक है, खुनहा, ठीक, खुनहा, छत्तीसगढ़ी में ऐसे कुछ कुछ सभी कभी कभी बोल देते हैं कि हाँ खुनहा ऐसे टाइप का है ना, तो ये खुनहा, ठीक, खुनहा, इसको कैसे याद रखना है, खु से आपका खुरसेल घाटी है, देखो इस कुछ इस वाले पॉइंट पर आपका पहले लिखेगा, ठीक है, कुछ इधर आपका नोगो बाबा, यहाँ पे देखिए लोकेशन एग्जैक्ट नहीं है ना, आपको एकदम ऐसा नहीं मानना है कि हाँ एग्जैक्ट लोकेशन पर लिख रहे हैं, ऐसा आपको नहीं सोचना है, हो सकता है आगे पीछे कहीं पर हो, लेकिन हाँ कोशिश किया हूँ लगभग लगभग लोकेशन उसको सही हो, ठीक है, कहीं कहीं पे आपको जहाँ पे नदी वगैरह हम देखें उसका लोकेशन आपको सब सही है, बट बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है बस उसी को एड करना है, कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा है उसको, ठीक है, तो ये आपका नोगो बाबा है, ठीक है, ये नोगो बाबा, ठीक है, मैं खुनहा बताया उसमें से नो जो है उसमें से नोगो बाबा हो गया, एक खू बताया हूँ, खू से खुरसेल घाटी याद रखिएगा, ये खुरसेल घाटी, ठीक है, और एक जलप्रपात याद रखिएगा, ये कुछ इस इधर है आपका, ठीक है, कुछ इस वाले क्षेत्र में है, ये आपका हांदावाड़ा, देखो ये हांदावाड़ा को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बहुत लोग इसको दंतेवाड़ा में लेते हैं, ठीक है, एचआर पब्लिकेशन वगैरह के बुक में आप लोग देखेंगे तो ये हांदावाड़ा आपका दंतेवाड़ा में यहाँ पे, ये दंतेवाड़ा में यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है, लेकिन देखो हांदावाड़ा नाम की एक जगह भी है दंतेवाड़ा में, ठीक है, तो फिलहाल वो दंतेवाड़ा को आगे हम लोग बात करेंगे। देखो जो हांदावाड़ा जलप्रपात है, किसी किसी बुक में आपको ये दंतेवाड़ा लेगा, किसी किसी बुक में नारायणपुर लेता है, लेकिन फिलहाल अभी आपको नारायणपुर लेकर के चलना है, ठीक है, नारायणपुर लेकर के ये आपको चल रहे हैं, आप लोग इंटरनेट में जा मतलब मैप में जा करके, गूगल मैप में जा करके आप लोग अच्छे से हांदावाड़ा जलप्रपात आप लोग सर्च करेंगे तो वो आपको नारायणपुर में दिखेगा, गूगल वगैरह में भी सर्च करेंगे तो आपका नारायणपुर ही दिखाएगा वो, ठीक है, लेकिन किसी किसी बुक में आपका वो दंतेवाड़ा में इसको ले लिया जाता है,
और अभी तक मैं इसको हांदावाड़ा को ये नारायणपुर में लेता हूँ, आपको भी लेकर चलना है। इसमें कुछ अपडेट रहेगा तो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, क्लासरूम में, या फिर एक छोटा मोटा क्लिप बना करके आपको समझा दूंगा कि हाँ इसको कहाँ पर लेना, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हांदावाड़ा को आपको नारायणपुर में ही लेना है। चलिए, तो ये हम लोगों ने खुनोहा समझ लिया, ठीक है, खुरसेल घाटी, खुरसेल घाटी, नोगो बाबा, हांदावाड़ा, ठीक है। तो खुनोहा, खुनोहा ये हम लोग नारायणपुर में समझ लिए खुनोहा। अब देखें यहाँ पे हम लोग इंद्रावती नदी पढ़ चुके हैं, इस तरह से हम लोगों ने इंद्रावती नदी देखा है, ठीक है, ये हम लोगों ने इंद्रावती नदी देखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले बीजापुर में समझ लेते हैं कौन कौन से जलप्रपात है। ये आपका आगे कुछ इस तरह से है इंद्रावती नदी। तो यहाँ पे देखो, ये इंद्रावती नदी की एक सहायक नदी यहाँ पे चिंतावांगू हम देखें, चिंता वागु, ठीक है, चिंता वागु ये नदी है, ठीक है। इस चिंता वागु नदी पर कुछ इस वाले पॉइंट पर है लंकापल्ली, लंकापल्ली जलप्रपात, लंका पल्ली, ठीक है, लंकापल्ली जलप्रपात है ये। तो ये चिंता वागु नदी पर हो गया। एक और जलप्रपात यहाँ पर याद रखिएगा कुछ इस वाले क्षेत्र में, बोकतुंग, ठीक है, ये है क्या आपका बोकतुंग जलप्रपात, ठीक है। तो दो जलप्रपात आप लोगों को बीजापुर में याद रखना है। दंतेवाड़ा में हम लोग देखेंगे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बस्तर हो जाएगा, बस्तर को लास्ट में देखेंगे। और मानकर चलिए बस्तर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं तो बोलता हूँ कि 50% चांस रहता है बस्तर से ही पूछा जाए, ठीक है। बाकी 50% आपका और कोई इधर का जलप्रपात है, ठीक है, 50% में आपका ये बस्तर आ जाएगा और थोड़ा सा जसपुर आ जाएगा, वहाँ से भी प्रश्न बनता है। चलिए, तो उसको बस्तर तो देखेंगे। देखो, दंतेवाड़ा में हम लोग समझते हैं, दंतेवाड़ा में कुछ इस वाले पॉइंट पर आपका सात धारा है। अब देखो, सात धारा का मैं आपको समझाऊंगा क्या हो रहा है, सात धारा, ठीक है, क्योंकि किसी किसी बुक में सात धारा को आपको बीजापुर में लिया गया है। अब इसका क्या लोच है मैं आपको समझा रहा हूँ, सात धारा देखो, व्यापम आपका शायद एक बार व्यापम ने इसका आंसर लिया हुआ है बीजापुर, और इसका आंसर पीएससी ने लिया हुआ है सात धारा, ठीक है। एक बार व्यापम ने इसका आंसर ले लिया है बीजापुर में, व्यापम क्या बोल रहा है कि बीजापुर में है कुछ इस वाले क्षेत्र में, पीएससी ने एक बार आंसर लिया हुआ है, मतलब आयोग द्वारा एक बार आंसर इसका लिया गया है आपका दंतेवाड़ा में। तो मैं अभी आयोग के अनुसार चल रहा हूँ, आयोग जिस प्रकार से आंसर लिया है, सीजीपीएससी ने जिस प्रकार से आंसर लिया है उसी के अनुसार यहाँ पे दंतेवाड़ा में मैंने ये सात धारा को लिया हुआ है। और आप लोग मैप वगैरह भी चेक करेंगे तो दंतेवाड़ा में ही बारसूर के आसपास ये सात धारा जलप्रपात है, ठीक है। गूगल में आप लोग मैप में अगर चेक करेंगे तो दंतेवाड़ा में आपको सात धारा जलप्रपात दिखेगा। और मेरे जितने भी और टीचर वगैरह हैं उनसे मैंने पूछा भी है, तो वो यही सजेस्ट किए कि सात धारा को हम लोगों को दंतेवाड़ा में ही लेना है, ठीक है। इस सात धारा में कौन कौन सा धारा है उसको देखेंगे, ठीक है, चित्रधारा, बाण धारा, बौद्ध धारा, इन सात धारा के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सात धारा के बारे में और डिटेल में आपको समझाऊंगा मैं आगे। फिलहाल यहाँ पे दंतेवाड़ा में और कौन कौन सा है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये सात धारा हो गया, यहाँ पे हम लोग जानते हैं ये इसकी सहायक नदी, ठीक है, ये जो इंद्रावती नदी हम लोग देख रहे हैं, इस इंद्रावती नदी की सहायक नदी है यहाँ पे संकनी डंकनी, ठीक है, ऐसे संकनी नदी है और एक डंकनी नदी है, ठीक है, ये संकनी और डंकनी ऐसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपका संकनी है, इधर डंकनी है। तो संकनी डंकनी के यहाँ पे जो संगम स्थल है, इस संगम स्थल पर आपका सूरतगढ़ जलप्रपात है, यहाँ पे सूरतगढ़ जलप्रपात है, इसको इधर लो, ठीक है, ये सूरतगढ़ जलप्रपात है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और जलप्रपात है मेंदिनी घूमड़, यहाँ पे याद रखिएगा मेंदिनी घूमड़, ठीक है, मेंदिनी घूमड़। अब इसको कैसे याद रखेंगे, ये सा है, ये सु है, ये मा है, तो इसको सासुमा, ठीक है, सासुमा से याद रख लीजिए, ऐसे सासुमा,
ठीक है, ट्रिक बन जाएगा आपका सासुमा या फिर सासुमे, ऐसे याद रख लीजिए। वैसे सासुमा याद रखेंगे सासुमा याद आ ही जाएगा। तो जब भी आपका दंतेवाड़ा याद आए तो आप लोग याद रख लीजिएगा ये ट्रिक को, ठीक है, सासुमे या फिर सासुमा। अब आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखो दंते मतलब कि दांत, दंतेवाड़ा हम लोग बोल रहे हैं, दंतेवाड़ा से दांत ही आ रहे, तो आप लोग ऐसे इमेजिन करिएगा कि आपका जो सासुमा है उसका दांत निकला हुआ है, ठीक है। सासुमा का क्या, दांत बाहर निकला हुआ है और वो मेंदनी जैसा दिखाई, मतलब बेंद्री जैसा दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए मेंदनी है, इसको आप लोग बेंद्री पढ़ी लीजिएगा, तो ये मेंदनी या फिर बेंद्री जैसा दिखाई दे रही है, सासू माँ का जब दांत बाहर निकला हुआ है वो बेंद्री जैसा दिखाई दे रही है। ऐसे आप लोग इसको याद रखने के लिए ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सात, सात धारा से आपका ये सा और ये सु, सूरतगढ़ से सु, और ये मेंदनी से आपका में, ठीक है, सासू में। ये इसको आप लोग ट्रिक को देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार और। चलिए, तो ये हम लोगों ने दंतेवाड़ा में जितना भी जलप्रपात है उसके बारे में बात किया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग एक सबरी नदी देखते हैं, ठीक है, सबरी नदी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से मैंने आपको सबरी नदी पढ़ाया था, ये आपका सबरी नदी, सबरी नदी, ठीक है। इस सबरी नदी में सुकमा में हम लोग देखते हैं, ठीक है, सुकमा में दो जलप्रपात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पे रानी दरहा हम लोग देखेंगे, रानी दरहा, एक और जलप्रपात यहाँ पे देखते हैं गुप्तेश्वर, ठीक है, गुप्तेश्वर, गुप्तेश्वर जलप्रपात, ठीक है। तो ये रानी दरहा और गुप्तेश्वर जलप्रपात दो जलप्रपात है सुकमा में हम लोग देखते हैं, दोनों आपका सबरी नदी में, ठीक है। नदी का भी नाम याद रखिएगा, नदी का भी नाम पूछा जाता है, किस नदी पर है ये पूछ दिया जाता है कभी कभार। तो ये आपके गुप्तेश्वर जलप्रपात और यहाँ पे ये रानी दरहा जलप्रपात, दोनों जलप्रपात आपके सबरी नदी में है। अब देखिए फाइनली हम लोग बस्तर को समझते हैं, कौन कौन से जलप्रपात हैं। इसको कैसे याद रखेंगे आपको, बीजापुर में कौन कौन सा है, तो ये बो है, ये ला है, ठीक है। तो बोल बीजापुर ऐसे याद रखेंगे, बीजापुर में कौन कौन से जलप्रपात हैं, तो बो और ला, ठीक है, तो बोल बीजापुर ऐसे याद रखेंगे, बोलेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा एक दो बार में। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग बस्तर को समझते हैं डिटेल में, कौन कौन से जलप्रपात है यहाँ पे। देखो ये जो सबरी नदी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये सबरी नदी है, इस सबरी नदी की एक सहायक नदी हम लोग यहाँ पे कांगेर नदी जानते हैं। इस प्रकार से ये कांगेर नदी है और इस कांगेर नदी की एक सहायक नदी मुनगा बहार नदी हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये आपका मुनगा बहार नदी है और ये आपका कांगेर नदी है, कांगेर नदी और ये मुनगा बहार नदी, ठीक है, ये मुनगा बहार नदी। तो दो नदी हम लोग जानते हैं यहाँ पे, ये सबरी नदी की यहाँ पे सहायक नदी। अब देखो कांगेर नदी में तो एक जो जलप्रपात है बहुत इजी है, याद हो जाएगा आपको तुरंत, कांगेर धारा जलप्रपात, ये आपका कांगेर धारा, ठीक है, कांगेर धारा जलप्रपात, ठीक है, ये कांगेर धारा जलप्रपात है। और ये जो मुनगा बहार नदी है, इस मुनगा बहार में याद रखिएगा तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीरथगढ़ जलप्रपात, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात अभी तक इसको लिया जा रहा था, 300 फीट इसकी ऊंचाई, तीरथगढ़, ये तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है, ये तीरथगढ़ जलप्रपात की ऊंचाई 300 फीट है, ठीक है, 300 फीट इसकी ऊंचाई, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में आपको समझाऊंगा। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने ये इंद्रा, इंद्रावती नदी हम लोग देखे हैं, ये है आपका इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी, सॉरी, इंद्रावती नदी, ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, इंद्रावती नदी है। इस इंद्रावती नदी में यहाँ पे याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, ये है चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात,
चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, याद रखिए इसको। छत्तीस सॉरी भारत का इसको नियाग्रा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भारत का नियाग्रा, ठीक है। नियाग्रा क्यों बोलते हैं आपको समझाऊंगा मैं। भारत का नियाग्रा, देखो कनाडा में एक नियाग्रा जलप्रपात है जो कि विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ठीक है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है कहाँ, कनाडा में, तो ठीक है, कनाडा और वो आपको अमेरिका के बीच में है, उसको आप लोग देख लीजिए कहाँ पे है। तो उसी जलप्रपात को मतलब बांध करके, मतलब उसी प्रकार से ये भी जलप्रपात है ये माना जाता है, और इसी वजह से यहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात को भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, ठीक है, सबसे चौड़ा, भारत का सबसे चौड़ा, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात इसको माना जाता है, ठीक है। मतलब ये सबसे चौड़ा जलप्रपात है, चौड़ाई आपके 300 फीट है, ठीक है, चौड़ाई से कितनी है, 300 फीट इसकी चौड़ाई है, 300 फीट इसकी चौड़ाई है, ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, याद रखेगा। इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को बोलते हैं, तो ये चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोगों ने कांगेर नदी पर यहाँ पे कांगेर धारा देखा है, तीरथगढ़ जलप्रपात हम लोगों ने मुनगा बहार नदी पर देखा है। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जलप्रपात है, तो सबसे पहले ध्यान में रखिए यहाँ पे क्या है, विंता घाटी है, ठीक है। ये क्या चीज़ है आपका, विंता घाटी, विंता घाटी, ठीक है। इस विंता घाटी क्या बोलते हैं, बस्तर का कश्मीर बोलते हैं, बस्तर का कश्मीर। और इसी विंता घाटी में आपका कुछ इस वाले पॉइंट पर है तांबड़ा घूमर जलप्रपात, ठीक है। ये क्या है, तांबड़ा घूमर, तांबड़ा घूमर, ठीक है, ये है तांबड़ा घूमर जलप्रपात। तो ये विंता घाटी में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे चित्रकूट हम लोग देखें, यहाँ पे आपको विंता घाटी है, इस विंता घाटी में आपका तांबड़ा घूमर है, इसको मयूरा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मयूरा भी बोलते हैं, ठीक, मयूरा जलप्रपात। तांबड़ा घूमर जलप्रपात को ही क्या बोल देते हैं, मयूरा जलप्रपात ही बोला जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर बोलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ कश्मीर किसको बोलते हैं हम लोग देखेंगे, चतुर्गढ़ वगैरह जो भी है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पे आपका ये जो तांबड़ा घूमर जलप्रपात है ये कहाँ है, विंता घाटी है, बस्तर का, इसको कश्मीर कहा जाता है विंता घाटी को, और इसको मयूरा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, किसको, तांबड़ा घूमर को, ठीक है। इसके अलावा एक दो जलप्रपात और भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग लिख लेंगे। चित्रधारा जलप्रपात यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसका ट्रिक आपको समझाऊंगा, बस्तर में जितने भी जलप्रपात हैं उनको याद कैसे रखना है उसका ट्रिक आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा, ठीक है। ये चित्रधारा हो गया, और याद रखिएगा एक और जलप्रपात यहाँ पे, ठीक है, एक चित्रधारा हो गया, एक मड़वा घूमर है, और एक आपका महादेव घूमर है। ये क्या है, मड़वा घूमर, देखो इनका लोकेशन सही नहीं है ना, मतलब इसका लोकेशन देख लीजिएगा, ये लोकेशन मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ इन सबका, बाकी तो सब सही है, चित्रकूट का, तांबड़ा घूमर का, कांगेर का, मुनगा बहार में जो तीरथगढ़ है उसका, ये सबका आपका लोकेशन सही जगह पे है, बाकी ये आपका चित्रधारा, चित्रधारा भी सही जगह पे है, लेकिन ये मड़वा घूमर और एक महादेव घूमर, ठीक है। एक और जलप्रपात आप लोग लिखिएगा महादेव घूमर, इन ये दोनों का आप लोग लोकेशन कुछ इस वाले इधर है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा इसको, मतलब ये देखना नहीं है लोकेशन को कहाँ पे है, लोकेशन से हमको कोई मतलब नहीं, बस्तर में है बस इतना याद रखना है आपको, महादेव घूमर, महादेव घूमर। अब देखो इनको याद कैसे रखना है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बस्तर में जितना भी जो जलप्रपात है इनको याद कैसे रखना है। यहाँ पे हम लोगों ने चित्रकूट जलप्रपात देखा है, छत्तीसगढ़ का सॉरी भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, भारत के इसको नियाग्रा कहते हैं इसको चौड़ाई की वजह से,
और इसके नीचे यहाँ पे हम लोगों ने विंता घाटी देखा है। इस विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहते हैं, और इस विंता घाटी में ही आपका तांबड़ा घूमर जलप्रपात है जिसको मयूरा जलप्रपात भी कहते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने चित्रधारा देखा, यहाँ पे मड़वा घूमर देखा, इस वाले पॉइंट पर हम लोगों ने महादेव घूमर देखा, इस वाले पॉइंट पर कांगेर नदी पर आपका कांगेर धारा देखा, यहाँ पे हम लोगों ने तीरथगढ़ जलप्रपात देखा, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊँचा जलप्रपात। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊँचा, हम लोगों ने ये सबसे चौड़ा यहाँ पे देखा है ना, बाकी ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊँचा है। इसको याद रखिएगा, सबसे ऊंचा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का ऊंचा ऊंचा याद रखिएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात याद रखिएगा, सिर्फ मैं ऊंचा लिख रहा हूँ, और इसका ऊंचाई आप लोग याद रखेंगे 300 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 300 फीट इसकी ऊंचाई है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा ये जलप्रपात है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक जो आंसर लिया है उसके अनुसार मैं आपको ये बोल रहा हूँ तीरथगढ़ को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं, ये मकरभंजा, ये 400 फीट इसकी ऊंचाई, मतलब कि सबसे ऊंचा अगर आपसे पूछ दिया जाता है वहाँ पे अगर मकरभंजा रहेगा तभी आपको मकरभंजा लेना है ना, क्योंकि देखो CGPSC अभी तक मकरभंजा को नहीं लिया है, ये अभी अभी इसको दावा किया गया है कि मकरभंजा जलप्रपात को सबसे ऊंचा जलप्रपात बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी तक आपका आंसर ये लिया गया था, जो तीरथगढ़ जलप्रपात है इसको आंसर में लिया जा रहा था कि हाँ ये सबसे ऊंचा है, ये सबसे ऊंचा है बोल करके तीरथगढ़ को। लेकिन अब मेरे को मतलब ये ऐसा है कि अब वो आपका जो मकरभंजा जलप्रपात है वो भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात उसको बोल दिया जाता है, लेकिन अभी तीरथगढ़ को भी ध्यान आपको ध्यान में रखना है, अगर मकरभंजा नहीं वहाँ पर आपको तीरथगढ़ को ले लेना है। चलिए, इसमें मेरे ख्याल से आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो तीरथगढ़ जलप्रपात को अभी बोला जा रहा था, देखो हमेशा से बोला जा रहा है या फिर ये प्रश्न भी पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो मकरभंजा जलप्रपात मैं बोल रहा हूँ उसको अभी अभी बोला गया है कि हाँ ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा खोज नहीं किए थे, लेकिन जब खोज किया गया तो पता चला कि ये इसकी ऊंचाई तो लगभग 400 फीट है, तो 400 फीट ऊंचाई मतलब कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। आंसर में ऑप्शन जिस प्रकार से रहेगा उसी प्रकार से आपको आंसर लेना है। ठीक है, ऑप्शन के आधार पर ही आपको क्या करना है वहाँ पे आंसर लेना है। चलिए देखो, इसको याद कैसे रखना है आपको मैं बस समझा रहा हूँ, याद कैसे रखना है, चित्रताति चित्रा महादेव। देखो यहाँ पे ट्रिक आप लोग लिख लीजिएगा, चित्रता, ठीक है, चित्रताति चित्रा महादेव, नहीं चित्रताती मड़वा महादेव लिखिए, ये चित्र चित्र तो बार बार आ जाएगा, चित्रताती मड़वा मड़वा महादेव, चित्रताती मड़वा महादेव। देखो चित्रताती से कैसे याद रखेंगे, ये चित्र है, ठीक है, ये भी चित्र है, यहाँ पर भी चित्र है, तो चित्र चित्र से चित्र हो गया, ता से आपका तांबड़ा घूमर हो गया, टी से आपका तीरथगढ़ हो गया, ठीक है, ये तीरथगढ़, तो ये चित्रकूट हो गया, चित्रधारा हो गया, तांबड़ा घूमर हो गया, तीरथगढ़ हो गया, अब यहाँ पे मड़वा है और महादेव है, तो चित्रताती चित्रा महादेव, सॉरी चित्रताती मड़वा महादेव, ठीक है, चित्रताती मड़वा महादेव। चलिए, तो ये ट्रिक को आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, और बस्तर में जितना भी जलप्रपात है इसी ट्रिक के माध्यम से कवर हो जाता है। अब देखिए, इनमें कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर कुछ मिलेगा तो। देखिए यहाँ पे जो सात धारा हम लोग देख रहे हैं, ये सात धारा, ठीक है, सात धारा जलप्रपात जो मैंने दंतेवाड़ा में आपको समझाया, मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर आंसर में आपका दंतेवाड़ा नहीं है, बीजापुर है, तो वहाँ पे बीजापुर मतलब बीजापुर आपको लेकर के चल लेना है। ठीक है, अगर दंतेवाड़ा नहीं है तो दंतेवाड़ा बीजापुर दोनों अगर ले लेता है CGPSC तो आपको, सॉरी, दंतेवाड़ा और बीजापुर दोनों लेता है सात धारा को, तो आपको दंतेवाड़ा लेना है, ठीक है, CGPSC में, क्योंकि CGPSC एक बार आंसर ले लिया है दंतेवाड़ा, तो अगर CGPSC प्रश्न पूछेगा तो आपको यहाँ पे ये दंतेवाड़ा को लेना है। ठीक
ठीक है, अगर दंतेवाड़ा नहीं तो बीजापुर लेना है, और बीजापुर नहीं तो फिर दंतेवाड़ा लेना है, दोनों में से कोई एक तो रहेगा ही, और अगर दोनों दे देगा तो आपको दंतेवाड़ा लेना है क्योंकि दंतेवाड़ा में स्थित है। ठीक है, आप लोग चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। हालांकि HR पब्लिकेशन के बुक में आपको यहाँ पे बीजापुर में हमेशा लिया जा रहा है क्योंकि वो आपका ये एक बार व्यापम का एग्जाम हुआ था, व्यापम में आपका ये बीजापुर लिया गया है। ठीक है, लंकापल्ली में आपका ये सात धारा को ले लिया गया है। ठीक है, बीजापुर में इसी वजह से HR पब्लिकेशन में हमेशा वो बीजापुर बीजापुर छपते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो आप, हालांकि वह प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रश्न पूछ करके वही लोग गलती किए हैं, मतलब आयोग वाले ही गलती किए हैं, PAC और व्यापम वाले ही गलती हैं, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि हाँ ये दोनों जगह पे आपको ये लिया गया है आंसर में, तो आपको उसके अनुसार याद रखना है। अब देखो यहाँ पे जो सात धारा बोल रहे हैं, इस सात धारा में कौन कौन सा धारा है इसको समझते हैं। ठीक है, इस सात धारा में ये सातों धारा के बारे में हम लोग बात करेंगे। सात धारा, ठीक है, ये कौन कौन सा धारा है इसको समझिए। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक तो है चित्रधारा, ठीक है, एक चित्रधारा है, फिर बाण धारा है, ठीक है, चित्रधारा है, बाण धारा है, बोध धारा है, चित्रधारा, बाण धारा, बोध धारा, और उसके बाद फिर कपिल धारा, चित्रधारा, बाण धारा, चित्रधारा, बाण धारा, बोध धारा, यहाँ पे ये बोध है ना, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये बोध धारा है। चलिए इसके बाद शिव धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, ठीक है, तीन भगवान का नाम यहाँ पे याद रखना है। तो ये एक तो है शिव धारा है, कृष्ण धारा है, और एक पांडव धारा है। धारा, ठीक है, पांडव धारा। तो इस प्रकार से ये सात धाराएं हैं जिसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जो सात धारा जलप्रपात हम लोग देख रहे हैं इसमें ये सातों धाराओं को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चित्रधारा, बाण धारा, बोध धारा, कपिल धारा, शिव धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा। ठीक है, ये शिव, कृष्ण और पांडव, ये तीन ऐसे डायरेक्ट याद रखेंगे। यहाँ पे चित्र, बाण और बोध, इस प्रकार से तीनों को याद रखेंगे, और बीच में कपिल याद रखेंगे, कपिल शर्मा से याद रख लीजिए। तो ये सात धारा में ये सात धाराएं इस प्रकार से ये हैं। चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा उन सबको। ठीक है, फटाफट, बाकी वैसे आप लोगों को याद तो हो ही गया होगा। देखिए, हम लोगों ने कोरिया जिले में यहाँ पे एक बनास नदी देखा। इस बनास नदी में यहाँ पे क्या है, रामदाह जलप्रपात है। ठीक है, रामदाह जलप्रपात है। यहाँ पे गोपद नदी में चूल जलप्रपात है। ठीक, गोपद नदी में चूल जलप्रपात है। यहाँ पे अकुरी नाला में प्राकृतिक एयर कंडीशनर है। ठीक, सॉरी, अकुरी नाला जलप्रपात है। इस अकुरी नाला जलप्रपात को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक एयर कंडीशनर बोलते हैं। ठीक, इस वाले पॉइंट पर क्या है, अकुरी नाला जलप्रपात, इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक एयर कंडीशनर बोलते हैं। हसदा नदी में दो जलप्रपात, गावरघाट जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात। ठीक, हसदा नदी में दो जलप्रपात कौन कौन सा, गावरघाट और अमृतधारा, दो जलप्रपात हैं। इसके बाद यहाँ पे सूरजपुर में बात करेंगे तो यहाँ पे ये आपका रिहंद नदी, ठीक है, ये रिहंद नदी है। इस रिहंद नदी में यहाँ पे रक्सगंडा जलप्रपात है। ठीक है, रक्सगंडा जलप्रपात, यहाँ पे लफरी है, पिकनिक स्पॉट है, और यहाँ पे कुमेली घाट है। ठीक, कुमेली घाट यहाँ पे रिहंद नदी नहीं, अलग है ये। तो इस प्रकार से लफरी को और रक्सगंडा को दोनों को याद रखिएगा, रिहंद नदी में है। इसके बाद हम लोग बलरामपुर देखते हैं। यहाँ पे बलरामपुर में यहाँ पे कन्हार नदी है। ठीक है, ये कन्हार नदी, कन्हार नदी की सहायक नदी चनान नदी है। ठीक है, चनान नदी, इस चनान नदी में यहाँ पे पवई जलप्रपात है। ठीक है, पवई जलप्रपात, और कन्हार नदी में है कोठली जलप्रपात। ठीक है, कोठली जलप्रपात, यहाँ पे पवई जलप्रपात, दोनों जलप्रपात में कन्फ्यूज नहीं होना किस नदी पर है। ठीक है, कोठली से कन्हार याद रखें, क से क, ये क से कन्हार, क से कोठली, ऐसे तत्ता पानी, यहाँ पे गर्म पानी का फव्वारा निकलता है। यहाँ पे भेड़िया नाला है, भेड़िया नाला में भेड़िया पत्थर, यहाँ पे जलप्रपात है। अब देखिए यहाँ पे जसपुर में, जसपुर में हम लोगों ने क्या देखा, जेसीबी की खुदाई रानी राजा देखने गए और वहाँ पे दम घुट के मृत्यु हो गई, ऐसा इसको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए, मगर भंजा जलप्रपात सबसे ऊँचे जलप्रपात, 400 फीट इसकी ऊंचाई ले रहे हैं। खुड़िया रानी जलप्रपात, ठीक है, खुड़िया रानी जलप्रपात, राजपुरी जलप्रपात, रानीदास जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात, और गुल्लू छुरी और बैने, गुल्लू छुरी बैने, ठीक, गुल्लू छुरी बैने, तो तीन तीन जलप्रपात कैसे याद रखें जो कि ईब नदी में है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे सूरजपुर, सॉरी, सरगुजा में हम लोग देखते हैं फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट, सरभंजा। ठीक है, फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट, सरभंजा, यहाँ पे सरभंजा याद रखिएगा, यहाँ पे मांड नदी है, सरभंजा को ही क्या बोलते हैं, इको पॉइंट भी बोलते हैं। सेदम जलप्रपात भी है, सेदम है, फिश पॉइंट है, टाइगर पॉइंट है, और सरभंजा है।
तो इस प्रकार से इतने भी जलप्रपात, चारों जलप्रपात को यहाँ पे याद रखना है। कोरबा में हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो हसदेव नदी है, इस हसदेव नदी में यहाँ पे केंदई जलप्रपात है, याद रखिएगा केंदई जलप्रपात। यहाँ पे हसदेव नदी सहायक नदी चोरनई नदी है, इस चोरनई नदी में क्या है, देवपहरी जलप्रपात है, ठीक है, देवपहरी है और यहाँ पे रानी झरना है। तो कोरबा में तीन याद रखिएगा, कोंदी देवरानी में बताया था आपको, केंदई जलप्रपात, देवपहरी जलप्रपात और रानी झरना जलप्रपात। यहाँ पे दमाऊ धारा है, दमाऊ दहरा या फिर दमाऊ धारा इसको बोला जाता है, ठीक है, जांजगीर चांपा में है फिलहाल। ये अगर शक्ति अलग होता है तो यहाँ पे शक्ति शक्ति में चला जाएगा, दमाऊ धारा आपका शक्ति में चला जाएगा, दमाऊ दहरा या फिर दमाऊ धारा जलप्रपात जो कि शक्ति में चला जाएगा, ठीक है, गुंजी के आसपास है ये, तो उसको हम लोग आगे और देख लेंगे। बाकी यहाँ पे दमाऊ धारा बस याद रखिएगा इतना। रायगढ़ में हम लोग यहाँ पर राम झरना देखते हैं, यहाँ पे माडो सिल्ली जलप्रपात, ठीक है, माडो सिल्ली और यहाँ पे राम झरना। यहाँ पे हम लोग महासमुंद में क्या देखते हैं, सातदेव धारा देखते हैं, बलमदेही नदी पर, बलमदेही नदी में यहाँ पे महानदी की सहायक नदी हम लोग ऐसे देखते हैं जब महानदी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से जो महानदी है, ठीक है, इसका प्रवाह इस प्रकार से होता है, तो ये बलमदेही नदी आपकी महानदी की सहायक नदी है इस तरह से। इस बलमदेही नदी पर यहाँ पे सातदेव धारा है, ठीक है, सातदेव धारा याद रखिएगा, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दंतेवाड़ा में जो हम लोग सात धारा देखें उसमें कन्फ्यूज़ नहीं करना है आपको, ये सातदेव धारा है, ये सातदेव धारा है, जबकि यहाँ पे दंतेवाड़ा में हम लोग सात धारा देखे हैं, ठीक है, ये सात धारा है और यहाँ पर ये सातदेव धारा है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे जतमई घटारानी देखा, ठीक, गरियाबंद में हम लोग क्या देखे, जतमई है, घटारानी है, जतमई घटारानी। यहाँ पे उदंती नदी देखा, उदंती नदी आपकी तेल नदी की सहायक नदी है, इस उदंती नदी में आपको क्या है, गोधना जलप्रपात है, गोधना जलप्रपात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कांकेर में देखे हम लोगों ने मलाजकुंडम जलप्रपात दूध नदी पर, यहाँ पे चर्रेमारी जलप्रपात जिसको जो पिंजारिन घाटी में स्थित है, ठीक है, चर्रेमारी जलप्रपात कांकेर में है, पिंजारिन घाटी में स्थित है। यहाँ पे मतलब नारायणपुर में हम लोगों ने क्या देखा, नारायणपुर में नोगो बाबा खुरसेल घाटी हांदावाड़ा, ठीक है, उसको कैसे याद रखना, खूनोहा, ठीक, खूनोहा, खूनोहा से याद रखने का, खुरसेल घाटी, नोगो बाबा, हांदावाड़ा, ठीक, तीन जलप्रपात आपको यहाँ पे याद रखना है। लंकापल्ली यहाँ पे चिंतावागु नदी पर हम लोगों ने देखा, ये इंद्रावती नदी की सहायक नदी चिंतावागु नदी, इसमें लंकापल्ली गुफा, सॉरी लंकापल्ली यहाँ पे जलप्रपात है, ठीक है, वाटरफॉल, और यहाँ पे बोक्तुंग जलप्रपात है, बोक्तुंग और लंकापल्ली दो दो को इसमें याद रखना है, ठीक है, लंकापल्ली और बोक्तुंग को। इसके बाद दंतेवाड़ा में हम लोग देखा सात धारा जलप्रपात, सूरतगढ़ जलप्रपात, मेंदिनी घुमट, ठीक है, इसको यह कैसे याद रखना है, सासुमा, सासुमा से याद रखना है, सासुमा, तो सात धारा, सूरतगढ़, मेंदिनी, तीन जलप्रपात यहाँ पे याद रखना है। सात धारा भी याद रखे, कौन कौन से सात धारा ही याद रखे, चित्रधारा, बाणधारा, बोधधारा, कपिलधारा, शिवधारा, कृष्णधारा, पांडवधारा, सात धाराओं को याद रखना है। यहाँ पे हम लोगों ने बस्तर देखा, बस्तर से पहले यहाँ पे हम लोग सुकमा देखें, सुकमा में गुप्तेश्वर है और एक रानी दरा है, ठीक है, बस्तर में हम लोगों ने क्या देखा, बस्तर में हम लोगों ने देखा इंद्रावती नदी पर यहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी बोलते हैं, सबसे चौड़ा जलप्रपात है, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है, चित्रकूट जलप्रपात है, इसको भारत का नियाग्रा बोलते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे चित्रधारा है, यहाँ पे मड़वा घूमर है, यहाँ पे महादेव घूमर है, तो तीन चित्रधारा, मड़वा, महादेव, इस प्रकार से याद रखना है आपको तीनों को। यहाँ पे हम लोग कांगेर नदी देखें जो कि सबरी नदी की सहायक नदी है, मुनगा बहार नदी है, तो कांगेर नदी में आपको यहाँ पे कांगेर धारा है, यहाँ पे मुनगा बहार नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात है, ठीक है, मुनगा बहार में तीरथगढ़, इसको वैसे याद रखना है मुनगा, ठीक है, देखो मुनगा बोल रहे हैं, ये मुनगा कैसे रहता है, इस प्रकार से मुनगा लंबा रहता है, आप लोग देखे होंगे, ठीक, मुनगा सभी खाए होंगे, ठीक, पेड़ में लगा होता है, तो ये मुनगा है और तीरथगढ़ बोल रहे हैं, तीर बोल रहे हैं, और तीर भी हमको पता है कैसे होता है, तीर इस प्रकार से होता है ना, तीर ये ऐसे, तो तीर और मुनगा दोनों एक से सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों को ऐसे याद रखना आपको, तीरथगढ़ को और मुनगा, ठीक है, मुनगा बाहर को, चलिए, तो तीरथगढ़, मुनगा, मुनगा बाहर में क्या है, तीरथगढ़ जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसको पहले लेते थे, अब आपको मकरभंजा जलप्रपात को लेना है अगर प्रश्न में आता है तो, ठीक है, देखो 300 फीट इसकी क्या है ऊंचाई है। विंता घाटी यहाँ पे हम लोग देखें, ठीक, इस वाले पॉइंट पर विंता घाटी देखें, इस विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर बोलते हैं, यहाँ पे तांबड़ा घूमर जलप्रपात है जिसको मयूरा जलप्रपात भी बोलते हैं, ठीक है, तांबड़ा घूमर जलप्रपात या फिर मयूरा जलप्रपात, ठीक, इसको याद रखना है आपको, ठीक है, भूलना नहीं है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने सभी जलप्रपात को देख लिया और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और तो मिसिंग नहीं है, चलिए इतना याद रखें, इतना काफ़ी है, ठीक, इसके अलावा और छोटा मोटा पॉइंट होगा वो उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछे जाने के चांसेस इतना नहीं है, अगर होंगे भी तो। चलिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक, पीडीएफ आपको मैं चैट सेक्शन में सेंड, वैसे भी पीडीएफ आपको मिल गया है, चैट सेक्शन में सेंड कर दिया हूँ, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए वीडियो बनाया जा रहा है और जो रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हैं उनके लिए फिलहाल पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।